नमस्कार। वैसे तो आप पश्चिम बंगाल कई बार आए होंगे, लेकिन दो चीजें जो अक्सर आपसे छूट जाया करती हैं पश्चिम बंगाल आने के बाद भी, यहाँ जहाँ आप नहीं आ पाते हैं, उनमें से एक के बारे में आज हम आपको विस्तृत तौर पर बताएंगे कि आपसे ये छूटता क्यों है और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह का नाम है सुंदरबन, यानी कि एक नेशनल पार्क जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश को कवर करता है। सुंदरबन, सुंदरबन का नाम हम अधिकतर सुने हैं, बंगाल टाइगर का घर, यानी कि सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर जो पाए जाते हैं वो सुंदरबन में पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, ये सारी नदियाँ मिल करके, जो आप जमुना का मतलब यमुना मत समझिएगा जो गंगा की सहायक नदी है, नहीं, यहाँ गंगा का ही एक जो शाखा है उसका नाम हो जाता है यहाँ पे यमुना, यहीं पे पद्मा, मेघना, ये सारी नदियों का यहाँ पे जाल है, हर 10 कदम की दूरी पर एक नदी बन जाती है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस सुंदरवन क्षेत्र में पहुँच सकें, क्या कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पहुँचने पर। तो अगर आपको सुंदरवन डेल्टा आना है, यानी सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र आना है, तो सबसे पहले आपको आना होगा सियालदह। सियालदह आप आ जाइए या फिर आप कोलकाता आ जाइए, ये दो बड़े स्टेशन हैं, या हावड़ा आ जाइए, इन तीनों में से कहीं भी आप आ जाइए, ये तीनों बड़े स्टेशन हैं पश्चिम बंगाल के। तो हम आपको सियालदह से बताते हैं कि सियालदह से आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले आप सियालदह से बाई ट्रेन लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट आप काकद्वीप, एक जगह है, छोटा सा आइलैंड है काकद्वीप, आप काकद्वीप आ जाइए। काकद्वीप से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है, कैनिंग के लिए। तो आप सियालदह से काकद्वीप आइए और काकद्वीप से आप कैनिंग आ जाइए। कैनिंग लास्ट स्टेशन है पश्चिम बंगाल का, यानी उसके बाद जो है वो लैंड शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप शुरू हो जाते हैं। तो आप कैनिंग आ जाइए और कैनिंग से आपको छोटी मैजिक मिल जाएगी, छोटे बस मिल जाएंगे, टेम्पो मिल जाएंगे, वहाँ से आपको आना होगा गौटखाली, ठीक। गौटखाली एक जगह है जहाँ से शुरू होता है आपको बोट द्वारा इस लैंड पे आने के लिए। लैंड का नाम है, देखिए, गोसवा। गोसवा जो है वो आइलैंड है, वो लास्ट आइलैंड है जहाँ से बोट मिलती है आपको इस सुंदरबन आने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुंदरबन का वो एरिया है जहाँ से आपको परमिशन मिलती है अपनी बोट ले जाने के लिए, ताकि आप सुंदरबन के अंदर जाके बोट द्वारा सुंदरबन घूम सके। तो आप गोसवा आइलैंड आ जाइए। गोसवा में एक जगह है पाकीहाला, यानी कि गोसवा जो है पूरे आइलैंड का नाम है, और गोसवा में जो एक जगह है उसका नाम है पाकीहाला। आप पाकीहाला आइए और पाकीहाला से आप बोट पकड़िए और डायरेक्ट यहाँ सजनखाली, आप स्पेलिंग देख सकते हैं, सजने खाली, यहाँ से आप आ जाइए बोट से और यहाँ पे आपको पास मिल जाएगा सुंदरबन को देखने का। एक छोटा सा नज़ारा हम सुंदरबन को आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाइए, या ये देखिए पूरा नज़ारा सुंदरबन का है। आप जमीन को देख सकते हैं, जमीन पे छोटे 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 घासें निकली हुई हैं, घासें नहीं हो, पेड़ों की जड़ें हैं जो श्वसन के लिए जमीन से ऊपर आ गई हैं। अभी जो है पानी का स्टेटस, एक बार फिर से कैमरा उधर घुमाइए, पानी का स्टेटस जो है वो अभी नीचे है, हर 6 घंटे बाद पानी का स्टेटस बढ़ता है, पूरा भूमि कवर हो जाती है, फिर पानी का स्टेटस घटता है, पूरी भूमि से फिर नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं वहां पर जाल लगा हुआ है, वो जो जाल है वो जानवर को बाहर निकलने से रोकता है। इस पूरे सुंदरबन में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और एक तरह से पूरी तरफ किनारे किनारे जालों से सुंदरबन पूरा घिरा हुआ है। तो ये जगह है सुंदरबन कैसे पहुंचे और सुंदरबन को कैसे घूमे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, पहली बात तो वर्ल्ड हेरिटेज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि यहां पर बंगाल टाइगर का एक घर है, इससे ज्यादा बंगाल टाइगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहते। तो आज हम आपको बस इतना बताएं कि कैसे सुंदरबन पहुंचे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।